नमस्ते एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों सबसे पहले तो मेरी और मेरे परिवार की ओर से मेरी यूट्यूब फैमिली को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज है जन्माष्टमी तो आज का वीडियो हम डेडिकेट करते हैं स्वयं भगवान श्री कृष्ण को जो कि मेरे मेंटोर भी हैं। आज के इस वीडियो में हम 10 इम्पोर्टेंट लेसन्स के बारे में बात करेंगे जो कि हमको श्री कृष्ण से सीखना चाहिए। श्री कृष्ण ऐसे भगवान हैं जिन्होंने हमें धर्म के साथ ही साथ जिंदगी जीने की भी सीख दी है। हमें अपनी जिंदगी कैसे जीना चाहिए, कैसे अपने प्रॉब्लम्स को फेस करना चाहिए, ये सभी कुछ हमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण से सीखने को मिलता है। तो आज आप इस वीडियो को आगे तक देखते रहिए क्योंकि आज इस वीडियो में हम 10 इम्पोर्टेंट लेसन्स के बारे में बात करेंगे जो कि हम सभी को श्री कृष्ण से सीखना चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। लेसन नंबर 1, डोंट फोकस ऑन द आउटकम ऑफ एनी वर्क। लाइफ में हमेशा खुश रहने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन। आज सभी लोग सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट पर फोकस करते हैं। दोस्तों हमें हमेशा सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर फोकस करना चाहिए। रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं होता बट पूरे डेडिकेशन के साथ काम करना हमारे हाथ में होता है। हमें रिजल्ट के बारे में ना सोचकर सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर ही फोकस करना है। यू कैन ओनली डू योर ड्यूटीज बट इट्स रिजल्ट इज ऑलवेज आउट ऑफ योर कंट्रोल। नेवर एवर थिंक दैट यू आर द रीजन ऑफ आउटकम। सो देयरफॉर अपने काम पर फोकस कीजिए, अपनी ड्यूटीज पर फोकस कीजिए और रिजल्ट के बारे में मत सोचिए। लेसन नंबर 2, ऑलवेज लिव इन प्रेजेंट। हमें ना पास्ट के बारे में सोचना चाहिए और ना ही फ्यूचर के बारे में, हमें सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट के बारे में सोचना चाहिए। भगवान कृष्ण हमें प्रेजेंट में रहना सिखाते हैं। उन्हें फ्यूचर के बारे में सब कुछ पता था लेकिन फिर भी वो प्रेजेंट में जीते थे। हमें भी हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में रहना चाहिए। अपने पास्ट और अपने फ्यूचर के बारे में सोचकर हम सिर्फ और सिर्फ अपने प्रेजेंट को खराब करते हैं। हमेशा प्रेजेंट में रहने से हमारी मेंटल हेल्थ भी अच्छी होती है, इसलिए हमेशा प्रेजेंट पर फोकस कीजिए। लेसन नंबर 3, नो जॉब इज बिग और स्मॉल। दुनिया में कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता, हमारी सोच ही कोई भी काम को बड़ा या छोटा बनाती है। ऑल्सो गाइज हमें हमेशा अपने काम से प्यार करना चाहिए। भगवान कृष्ण महाभारत के युद्ध को अकेले भी जीत सकते थे बट उन्होंने अर्जुन को गाइड किया और अर्जुन के रथ के सारथी बने। इसलिए दोस्तों हमें हर काम को इक्वली रिस्पेक्ट देना चाहिए। कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता, हमें हमेशा अपने काम से प्यार करना चाहिए। लेसन नंबर 4, ऑलवेज बी पॉजिटिव। पॉजिटिव थिंकिंग से ही हम लाइफ में आगे बढ़ पाते हैं, इसलिए हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। पॉजिटिव सोचने से हमें अच्छा भी लगता है और हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ भी अच्छी होती है। लाइफ की डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिचुएशन में भी हमें पॉजिटिव रहना चाहिए। हमारी लाइफ में क्या क्या बुरा हो रहा है उस पर हमें ध्यान ना देकर हमारी लाइफ में जो कुछ भी अच्छा हो रहा है उस पर ध्यान देना चाहिए। Therefore, always try to be positive in your life. Lesson number 5, control your anger. We should always control our anger. गुस्सा करने से हमारे अंदर बहुत सारी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाती है। एंगर हर चीज को डिस्ट्रॉय कर देता है। भगवत गीता के अकॉर्डिंग एंगर इज द फंडामेंटल कॉज ऑफ ऑल काइंड ऑफ फेलियर्स इन अ पर्सन लाइफ। एंगर मेन कॉज होता है सभी फेलियर्स का। गुस्सा करने से इंसान सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सो देयरफॉर कंट्रोल योर एंगर एंड कीप योर माइंड काम। लेसन नंबर 6, ट्रीट एवरीवन इक्वली। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है जो कि हमें भगवान श्री कृष्ण से सीखने को मिलता है। हमें कभी भी किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। हमें सभी के साथ अच्छा व्यवहार रखना चाहिए। भगवान कृष्ण ने कभी भी भेदभाव नहीं किया। उन्होंने ब्लैक, व्हाइट, रिच एंड पुअर सभी को इक्वल माना। हमें भी सभी लोगों को इक्वल मानना चाहिए। हमें कभी भी किसी इंसान को कास्ट, कलर और स्टेटस के बेसिस पर जज नहीं करना चाहिए। हमें सभी को रिस्पेक्ट देना चाहिए और सभी को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। लेसन नंबर 7, नेवर गिव अप इन योर लाइफ। जो इंसान लाइफ में गिव अप कर देता है वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाता और कभी भी खुश नहीं रह पाता। लाइफ में हमेशा हमें ट्राई करते रहना चाहिए। हमारी लाइफ में भले ही डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिचुएशन क्यों ना हो, हमें हमेशा ट्राई करते रहना चाहिए। कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। हमें फेलियर का डर अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। हमें अपने फेलियर्स को फेस करना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए।
सो देयरफॉर गाइस हमेशा ट्राई करते रहो और कभी भी लाइफ में हार मत मानो। लेसन नंबर 8, बिलीव इन योरसेल्फ एंड गॉड। खुद पर और भगवान पर विश्वास रखिए। जब तक आप खुद पर भरोसा नहीं रखोगे तब तक आप कोई भी काम को 100% डेडिकेशन के साथ नहीं कर पाओगे। ऑलवेज बिलीव इन योरसेल्फ। लाइफ में सही डिसीजंस लेने के लिए आपको खुद पर भरोसा होना चाहिए, इसलिए खुद पर और भगवान पर भरोसा रखिए। यदि आज आपकी लाइफ में दुख है तो कल आपकी लाइफ में सुख भी आएगा। देयरफॉर हमेशा खुद पर भरोसा रखिए। ये चीज आपके बहुत काम आएगी सही डिसीजंस लेने में। लेसन नंबर 9, डू गुड थिंग्स इन लाइफ। जीवन में हमेशा हमें अच्छाई का साथ देना चाहिए। हमें अच्छे काम करते रहना चाहिए, ऐसे काम जिससे हमें भी अच्छा लगे और दूसरों का भी भला हो। डू गुड फॉर अदर्स एंड इट विल कम बैक टू यू इन अनएक्सपेक्टेड वेज। इसलिए दोस्तों अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए और दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार रखिए। लेसन नंबर 10 एंड आवर लास्ट लेसन, देयर इज ऑलवेज अ रीजन बिहाइंड एवरीथिंग। जीवन में हमारे साथ जो कुछ भी होता है उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो भी कुछ इस दुनिया में होता है उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। Whatever happens in life happens for good and there is always a cause or reason behind it. इसलिए लाइफ में हमारे साथ जो कुछ भी होता है हमें उसके लिए कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए। हमें चीजों को एक्सेप्ट करना चाहिए और लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। तो गाइज ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको 10 इम्पोर्टेंट लेसन के बारे में बताया जो कि आपको भगवान कृष्ण से सीखना चाहिए। एक बार फिर से आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज आर एम एस तिवारी एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।